A very good morning to each and everybody. Welcome you all in this English online learning class. Today we are going to study in grammar and the topic is pronouns. This is your 13 number chapter in your grammar book. So those are having your grammar books, please take out it, go through the chapter. The page number is 38. Got it everyone? Very good. Now let's study. What is a pronoun? Look at here. A pronoun is a word that used in place of noun. Place of noun means noun ki jagah mein. We have already learned about noun. Yes or no? Noun means naming word. So naming word ki jagah hai na, jo word hum use karenge unko hum kya batayenge? Pronoun batayenge. See the example. I means मैं, मेरे लिए है ना, मेरे नाम के जगह मैं क्या यूज करूँगी, अपने अपने आप को शो करने के लिए मैं क्या यूज करूँगी, I. We means हम सब, हम जितने भी सारे है ना, सभी के लिए what we will use, we. He means he we will use for the male category, means अगर कोई बच्चा लड़का है तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, he. कोई मैन है, एक ओनली सिंगुलर, इट इज़ अ सिंगुलर पर्सन. ओके, देन सी वी विल यूज द फॉर द फीमेल कैटेगरी. अगर एक लड़की है, ओके, अगर एक मीन्स सिंगल लेडी है तो हम उनके लिए क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे. दैट ही सी और इट दे आर इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. फिर हीम, दस ही का सेकेंड फॉर्म है हीम. जब हम किसी के एक ही के बारे में सेकेंड टाइम बात करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, हीम. और सी के बारे में अगर सेकेंड टाइम यूज किए तो हम क्या बताएंगे उनको, हार. नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट इन द फर्दर. लेट्स रीड अबाउट पीकू टू अंडरस्टैंड प्रनाउंस बेटर. अब प्रनाउंस क्या है ना, उनको समझने के लिए, उनको बेटर तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, अब कुछ सेंटेंसेस रीड करेंगे. सो लुक एट हियर. पीकू इज अ स्मॉल बॉय. यहाँ पे एक लड़का है जिनका नाम क्या बोल रहे, स्मॉल बॉय. पीकू गोज टू स्कूल. वो क्या है, स्कूल जाता है. पीकू इज वेरी नॉटी. वो बहुत नॉटी है, दुष्ट है. बट द टीचर्स लव पीकू. वो क्या है, वो बहुत नॉटी है, फिर भी टीचर्स क्या करते हैं, उनको बहुत लव करते हैं. सो पीकू इज अ नाउन. ये सुनो, ये पीकू एक नेमिंग वर्ड है, तो ये एक नाउन है. बट यूजिंग इट अगेन एंड अगेन डज नॉट साउंड राइट. पीकू के बारे में हम क्या है, हर वक्त पीकू 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 बोल रहे हैं, तो ये जो साउंड आ रहे हैं ये हमको अच्छे नहीं लग रहे, मीन्स इट इज नॉट करेक्ट. ओके, अगेन एंड अगेन सेइंग पीकू, बार बार पीकू पीकू कहने से ये जो साउंड एक आ रहे हैं ये सही नहीं लग रहे हैं. सो नाउ लेट्स रीड दिस सेंटेंस. अब आपको दोबारा दूसरा सेंटेंस को रीड करने के बारे, पीकू इज अ स्मॉल बॉय. स्टार्टिंग सेंटेंस इज ओके, पीकू इज अ स्मॉल बॉय, बिकॉज हम पीकू के बारे में कहने जा रहे हैं. ओके, सो ही गोज टू स्कूल. प्लेस ऑफ पीकू, मैंने क्या यूज किया, ही, पीकू के जगह. फिर ही इज वेरी नॉटी, बट द टीचर्स लव हिम. ही इज वेरी नॉटी बट द टीचर्स क्या करें, उनको लव करते हैं. ओके, तो हमने पीकू के हर वक्त अगेन एंड अगेन सेइंग पीकू, विच वर्ड वी यूज हियर, ही, बिकॉज ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. लेट्स गो फर्दर दैट पीकू इन माइंड द फॉलोइंग प्रोनाउंस. कीप इन माइंड मीन्स आपके दिमाग में ये फॉलोइंग जो प्रोनाउंस है इनको याद रखना है. जैसे वी हैव स्टडी, आई मीन्स मैं है ना, वी मीन्स हम सब, ही मीन्स एक लड़का और एक मैन, सिंगल लड़का, अदरवाइज सिंगल मैन. देन सी मीन्स सिंगल फीमेल. नेक्स्ट इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जिनके अंदर जान नहीं होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट मीन्स थिंग्स के बारे में. देन दे मीन्स वो लोग है ना, दे मीन्स वो लोग, कौन लोग, जो दूर में हैं और बहुत सारे हैं. तो आई के बारे में जब हम सेकेंड टाइम सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या आ जाएंगे डियर, मी. वी के बारे में, वी जब हम बोलेंगे, जैसे वी आर इंडियन. ओके, सो तो अगर हमारे बारे में ही हमने सेकेंड टाइम यूज करेंगे तो क्या आ जाएंगे, आस. ही के हिम, सी
हार देन इट यू सॉरी इट के यू देन दे का दे। अब मैं एग्जांपल बता रही हूँ एक, यू लिसन प्रॉपरली। जैसे आई कॉट द बॉल, मैंने एक बॉल को बॉल पकड़ा है ना, आई कॉट दैट बॉल, मैंने वो बॉल को पकड़ा है। तो अब मैं सेकेंड टाइम यूज कर रही हूँ ओके बॉल को। देखो मेरे बारे में भी और बॉल के बारे में, गिव इट, बॉल को मैंने क्या बोला, बॉल तो नाउन है बट उनकी जगह मैंने क्या यूज किया, इट, गिव इट टू मी। अब मेरे आई जो है मैंने पकड़ा है, तो आई को जब मैं सेकेंड टाइम यूज कर रही हूँ तब क्या आ गया, मी। तो बॉल के लिए मैंने इट यूज किया, और जब मैंने मेरे बारे में सेकेंड टाइम यूज किया तो क्या यूज किया, मी। तो गिव इट टू मी। ऐसे ही जब इन लोगों के बारे में सेकेंड टाइम यूज करेंगे तो ये सब वर्ड आ जाएंगे ओके। नाउ सी नेक्स्ट, द प्रोनाउन इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एज आई सेड। जैसे मैंने आपको बोला कि इट, हम व्हेन डू वी यूज इट ओके, व्हाई वी मीन्स फॉर विच पर्सन और थिंग्स वी यूज इट, ना ओनली नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जिनके अंदर जान नहीं होते हैं ओके, जिनके अंदर सांसें नहीं होते। सो नेक्स्ट इज, इट इज ऑल्सो यूज फॉर एन एनिमल और अ बेबी। इट एक बेबी के लिए भी यूज होते हैं और एक एनिमल के लिए भी यूज होते हैं, व्हेन वी डोंट नो वेदर इट इज मेल और फीमेल। जब हम लोगों को पता नहीं रहते हैं कि ये एक मेल है और फीमेल है, तब हम उनके लिए क्या यूज करते हैं, इट। तो जानवर, एक जानवर के बारे में भी हम क्या यूज करते हैं, इट ओके। और एक बेबी जब होते हैं और बेबी को हमको पता नहीं होते हैं कि ये लड़की है कि लड़का है, तो उनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इट। नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर ए, व्हाट इज सेइंग हियर, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं इसमें से आपको अंडरलाइन करना है जो क्या है, प्रोनाउंस है। सो फर्स्ट नंबर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं वेल महसूस नहीं कर रही, तो आई इज ए प्रोनाउन। दे वेयर टॉकिंग टू ईच अदर, दे, वी वेंट टू गांधी ग्रैंड मज हाउस टू विजिट हर। अब बताओ व्हाट इज प्रोनाउन, वी एंड हर। नेक्स्ट, मम्मी एंड आई वेंट टू सी द प्ले, मम्मी वो तो नाउन है बट यहाँ पे विच वन इज प्रोनाउन, आई। इट इज अ कॉमिक बुक, अब ये बुक तो नाउन है तो व्हाट इज प्रोनाउन, मींस नाउन के बुक की जगह हमने क्या यूज किया, ना इट। नेक्स्ट सिक्स नंबर, वी क्लीन द पर्च आफ्टर द स्टॉर्म, तो पर्च, तो यहाँ पे विच वन इज प्रोनाउन, वी। द बुक इज इंटरेस्टिंग एज इट टॉक्स अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, नाउ यू टेल मी व्हाट इज अ विच वन इज प्रोनाउन, द बुक, नो, इज इंटरेस्टिंग, नो, एज इट टॉक्स अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, विच वन, फाइन फ्लीज, यस, इट, इट इज अ प्रोनाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, व्हाट इज सेइंग हियर, एट नंबर, इट इज अ न्यू बैग, विच वन इज प्रोनाउन, इट। सी नाइन नंबर, सी आस्क्ड हिम अबाउट द हॉलीडे प्लान्स, अब हॉलीडे के प्लान्स के बारे में उन्होंने मुझे आस्क किया, तो विच वन इज प्रोनाउन, सी एंड मी। निशा इज एब्सेंट टूडे, सी इज अनवेल, सी। नाउ सेकेंड नंबर एक्सरसाइज इज, यूज प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड। बोल्ड मीन्स जो बोल्ड लेटर से लिखा गया हो, कैपिटल लेटर से, उनसे आपको क्या यूज करना है, प्रोनाउन यूज करना है। जैसे देखो मैं दो बना दो, आई विल हेल्प टू, देन यू कैन डू। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर, वरुण इज ए गुड बॉय, वरुण इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में वरुण है, एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। अब वरुण जो वर्ड है उसमें बोर्ड लेटर से लिखा गया है, मीन्स बड़े बड़े अक्षरों से लिखा गया है, तो वरुण की जगह हम क्या यूज करेंगे डियर, यहाँ पे आपको लिखना है ही, वरुण एक लड़का है तो उनके लिए ही। सेकेंड में, सोनिया इज माई फ्रेंड, सोनिया एक लड़की है तो उनके लिए मैं क्या यूज करूँगी, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके लिखना है एस एच ई सी। थर्ड नंबर में, बॉब इज अ स्मॉल बॉय, बॉब जो है वो एक स्मॉल बॉय है, उनके लिए क्या आएगा,
ही। इस तरह से पढ़ पढ़ के आपको ये आंसर देना है। डू दिस एक्सरसाइज एज ए होमवर्क इन योर कॉपी एंड सेंड इट बैक टू द व्हाट्सएप ग्रुप। सी नंबर, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट यू सी। आपको ये पिक्चर्स को देखने के लिए बोल रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आप क्या देख रहे हो। यूज द प्रोनाउंस सी, ही, दे और इट। आपको ये प्रोनाउंस पे यूज करना है। जैसे डैश एक लड़की है तो इज डांसिंग, तो क्या आएगा, सी एस एच ई, सी इज डांसिंग। डैश इज हिज टीथ, ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज ब्रशिंग हिज टीथ। नेक्स्ट नंबर में डैश आर राइटिंग, तो क्या आएगा, वी आर राइटिंग। फोर्थ में डैश इज रोरिंग लायन, तो इट, लायन के एक एनिमल के बारे में क्या आएगा, इट, तो इट इज रोरिंग। नेक्स्ट इज कम नेक्स्ट पेज दैट फिफ्थ नंबर, डैश इज स्लीपिंग, तो यहाँ पे आएगा सी इज स्लीपिंग। डैश आर प्लेइंग, तो यहाँ पे आप क्या यूज करूँगे, दे, टी एच ई वाई, दे। गॉट इट डियर, वेरी गुड। यू डू दिस एक्सरसाइजेस विथ हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।